नमस्कार दोस्तों, सुजाता इंटरप्राइज यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। ये देखिए, तीन मशीन जो आप लोग देख रहे हैं, मिडिल वाला जो रोस्टर है सबसे छोटा है, और दाहिने तरफ जो रोस्टर है ये आपका उससे थोड़ा बड़ा है, और बाएं तरफ जो है फुल शेप वाला ये उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। जैसे एक हो गया 100 किलो का, और एक हो गया 150 से 200 किलो का, और एक हो गया 200 से 250 किलो का। तो ये जो रोस्टर है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही, जो आपका बजट के ऊपर जो डिपेंड करेगा, आपका अगर बजट एकदम ही कम है तो ये सबसे छोटा मशीन लेकर आप बिजनेस को स्टार्टिंग कर सकते हैं, और मीडियम बजट में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 150 किलो का जो रोस्टर है इसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। और आपके पास अगर पहले से बिजनेस है 100 किलो का या तो फिर 150 किलो का मशीन आपके घर में चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो 150 किलो को छोड़ के आप 250 किलो का जो रोस्टर, और अगर आपके पास रोस्टर एकदम भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप बेकार हैं, घर में बैठे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करिए सुजाता इंटरप्राइज के साथ, और एक बार आके विजिट करिए मेरा कंपनी को। यहाँ पर आके आपको फुल ट्रेनिंग मिलेगा और बिजनेस के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आपको कहाँ से चावल लेना है, कहाँ से पन्नी लेना है, कहाँ से आपको कैसे पैकिंग करना है, कैसे बोरा लगाना है, ये देखिए मेरे पास चावल का स्टॉकिंग भी है थोड़ा बहुत, और मेरा खुद का एक बड़ा प्लांट भी है जहाँ हम लोग हर दिन मुरमुरा भूंजते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस रहता है चावल का, देखिए इसका जो काम है ये पहले आपको अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज़ है। मशीन चलाते हुए आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, मशीन तो कोई भी चला लेगा, लेकिन ये चावल का जो प्रोसेस है, ये चावल का प्रोसेस को आपको अच्छे से करना है, ताकि आपका मुरमुरा का जो क्वालिटी है वो मार्केट में ठीक ठाक आए। इसी के ऊपर आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करेगा कि आपका चावल का क्या क्वालिटी है, और चावल सबका मुरमुरे का क्या क्वालिटी आते हैं। आप लोग तो देखते रहते हैं, हम लोग जो वीडियो छोड़ते हैं, ट्रायल वाला जो वीडियो छोड़ते रहते हैं, पूरा वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रखते हैं। और बाकी जो ट्रायल वीडियो रहते हैं उसमें आपको ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि उसमें हम लोग जो मुरमुरा भूंजते हैं, कौन सा क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा क्वालिटी का मुरमुरा निकालते हैं, और बाकी जो भूंजने वाला आइटम है क्या क्या आइटम हम लोग निकालते हैं, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिए, और देख के आप भी एक मिनिमम बजट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का जो है बिजनेस, एक घर बैठे बैठे ये बिजनेस आप कर सकते हैं। देखिए दो प्लांट है मेरे पास, एक छोटा प्लांट है ये लोकल चावल भूंजने के लिए, और जो बड़ा प्लांट देख रहे हैं ये आपका 1 टन का कैपेसिटी है घंटे का। ये थोड़े देर बाद ये मशीन को चालू करेंगे, और ये जो चावल आप लोग देख रहे हैं ये चावल को 1 घंटे में भूंजेंगे। ये तो नाम का मुरमुरा मशीन है, आप लोगों को तो पता है नाम का मुरमुरा मशीन है। मुरमुरा के अलावा भूंजने वाला जितना सारा आइटम है आप सभी भून सकते हैं इस मशीन के ज़रिए, और मशीन तो एकदम आसान है इसको चलाते हुए, एकदम आसान। बाकी ये चलेगा आपका इलेक्ट्रिक से, और हीट देने का जो ऑप्शन है, लकड़ी, कोयला, भूसा, गैस, मतलब उसमें आग होना चाहिए नीचे जो है, नीचे का जो जगह है। जैसे ये हो गया रिंग रोस्टर, इसको आपको अलग से भट्टी बनाना है। ये नेकेड में है, इसको आपको घर में ले जा कर के अलग से भट्टी बनाना है इसके ऊपर। ये 500 किलो कैपेसिटी वाला रिंग रोस्टर मशीन है, बहुत ही बड़ा है, देखिए 4 इंच का शाफ्ट भी है इसमें। मशीन को अगर ज़्यादा बड़ा बनाओगे, ज़्यादा मोटा बनाओगे, तो उसमें जो शाफ्ट है वो भी मोटा देना पड़ता है, क्योंकि उसका जो वजन है उसको पकड़ के रखने के लिए जो क्षमता चाहिए वो लो वाला जो कमज़ोर वाला शाफ्ट होता है उसमें आपका वो ताकत नहीं रहता है। जैसे ये देखिए रोस्टर 2.5 इंच का शाफ्ट में, 3 इंच का शाफ्ट में पूरा बड़ा बड़ा जो रोस्टर है, 500 किलो, 600 किलो का सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर, सभी हर तरह का रोस्टर है मेरे पास। और ये देखिए SS का ड्रायर मशीन भी रेडी है, यह हो गया SS का ड्रायर मशीन।
और बाकी हर दिन तो आप लोगों को दिखाते रहते हैं नया नया कुछ ना कुछ मशीन हम लोग बनाते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को रोस्टर रिलेटेड का जो इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी हो, मतलब रोस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सुजाता इंटरप्राइज के साथ बने रहना होगा, क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया नया चीज़ लेके आते हैं आप लोगों के सामने। और बाकी आपका कुछ भी समस्या हो बिजनेस करते हुए, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, आपको पूरा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।